नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। कुपवाड़ा में 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। बारामूला में घंटों से मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को उड़ाया। काबुल से गिरफ्तार हुए दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले 2 आतंकी, पूछताछ में किया खुलासा। दहशत फैलाने के इरादे से 6 महीने पहले आए थे दिल्ली। दिल्ली के इंद्रपुरी में 16 साल के बच्चे से दरिंदगी, नाबालिग को स्कूटी पर बैठना पड़ा भारी, युवकों ने नंगा कर बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार मना रही है विकास पर्व। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिराई सरकार की उपलब्धियां, कहा हमने दी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। नासिक में भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई की कार पर हमला, अज्ञात हमलावरों ने दी जान से मारने की धमकी। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, जहां कुपवाड़ा और बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस दौरान 1 जवान भी शहीद हो गया है। आतंकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर दिया। मुठभेड़ में सेना और सीआरपीएफ के 1-1 जवान घायल हुए हैं। वहीं सेना ने एक घर में भी धमाका किया है। आशंका जा रही थी कि आतंकी उसी घर में छिपे हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काबुल में गिरफ्तार 2 आतंकियों ने दिल्ली में रहकर धमाके की साजिश रचने का राज उगला है। पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से ये दोनों 6 महीने पहले दिल्ली में दाखिल हुए थे। इनके निशाने पर दिल्ली का इस्कॉन मंदिर, कई भीड़ भाड़ भरे इलाके, शॉपिंग मॉल तो थे ही, साथ ही आगरा का ताज महल भी निशाने पर था। दरअसल अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में हुए आतंकी हमले के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पता चला है कि यहां आकर इन दोनों ने बम धमाके का सामान भी खरीदा था। अब दोनों आतंकियों को भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली है। इंद्रपुरी इलाके में 16 साल के एक नाबालिग लड़के को कुछ दबंग युवकों ने महज स्कूटी पर बैठने की बात को लेकर उससे हैवानियत भरा बर्ताव किया। वारदात सोमवार रात की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग इन युवकों की स्कूटी पर बैठ गया था, जिसके बाद लगभग 5 युवकों ने इस नाबालिग को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। वहीं जब लोगों ने पिटाई की वजह पूछी तो वो नाबालिग पर चोरी का आरोप लगाने लगे और फिर उसे चोर कहकर सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। दबंग लड़कों का दिल जब इससे भी नहीं भरा तो वो लड़के को जबरन पास के ऑफिस ले गए, जहां उन्होंने इसके कपड़े उतरवाकर हाथ पैर बांध दिए और डंडे से उसकी पिटाई की। और हद तो तब हो गई जब लड़कों ने नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी और इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अगली खबर मोदी सरकार से जुड़ी। सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के अवसर पर विकास पर्व कार्यक्रम चला रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया है कि ये कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी के सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों में रात बिताएंगे और सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए जन सुरक्षा योजना चलाई। जनधन योजना के तहत 21 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई और हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। और अब अगली खबर भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई से जुड़ी। नासिक में तृप्ति देसाई की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। हमले में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और वो खुद भी घायल हो गई हैं। तृप्ति इस वक्त अस्पताल में है। तृप्ति पर हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ नासिक के कपालेश्वर मंदिर जा रही थी। तृप्ति ने आरोप लगाया है कि यह हमला सुनियोजित था और इससे पहले भी उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी। आपको बता दें कि तृप्ति ने मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।